ये जो हमारा मॉडल है ये है प्लास्टिक वेस्ट से हम किस प्रकार उसका रिसाइकल कर सकते हैं, उसको रीयूज कर सकते हैं। इसको ये जो हमारा मॉडल है इसमें हम जो मेडिकल वेस्ट होता है या फिर जो प्लास्टिक होता है जो यूज़ नहीं हो सकता है उसको हम रिसाइकल करते हैं, उसका रीयूज करते हैं। और उसका रीयूज ऐसे करते हैं कि उस प्लास्टिक को मेल्ट करके उसके अंदर से ऑयल या क्रूड ऑयल जिसे बोल सकते हैं, जिनको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, वो बनाना, यानी प्लास्टिक वेस्ट से फ्यूल बनाने का मॉडल है ये। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, एक हीटर लेते हैं। इस हीटर के अंदर यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक फ्लास्क है। इस फ्लास्क के अंदर प्लास्टिक डालते हैं अपन। जो प्लास्टिक होता है वो इस फ्लास्क के अंदर डाल के हम ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं। उसके बाद इसको गर्म करते हैं, गर्म करते हैं इस हीटर की सहायता से। फिर इसके अंदर यहाँ से सिलेंडर लगा हुआ है, ये सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। यहाँ से हम नाइट्रोजन फ्लो करते हैं एज ए 4 kg/cm² के नाइट्रोजन प्रेशर से। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो इस ट्यूब से होती हुई फ्लास्क के अंदर आएगी। जो इस नाइट्रोजन का वर्क ये होता है कि अंदर जो प्लास्टिक होता है वो गर्म होने पे भी जलेगा नहीं और मेल्ट होता रहेगा। जो नाइट्रोजन अंदर आएगी उसके बाद जो प्लास्टिक जो मेल्ट हो जाता है इस हीटर की मदद से, जब अंदर टेम्परेचर बढ़ता है फिर नाइट्रोजन की मदद से वो मेल्ट हो जाता है, जलेगा नहीं। उसके बाद जो होगा उसकी जो वेपर बनेगी वो वेपर आप देख सकते हो इस बैंड एल बैंड से होके इस फ्लास्क के अंदर से होके आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं इधर से आ रही है। उसके बाद यहाँ पे कंडेंसर लगे हुए दो कंडेंसर लगे हुए हैं। ये दोनों कंडेंसर उस वेपर को कंडेंस करने का काम करेंगे, यानी लिक्विड के अंदर चेंज करने का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से हम वाटर इनपुट करते हैं और यहाँ से वाटर आउटपुट करते थे। इस प्रकार इसमें भी यहाँ से वाटर इनपुट है और यहाँ से वाटर आउटपुट है। तो जो ठंडा पानी रहता है वो इस अंदर से जो वेपर आ रही है प्लास्टिक की उसको कंडेंस कर देगा। कंडेंस करने के बाद में यहाँ से जो लिक्विड निकलेगा अपना वो लिक्विड यहाँ पे पूरी तरह से लिक्विड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्यूरेट लगाया हुआ है, जो ब्यूरेट है उसके अंदर लिक्विड रह जाएगा और जो आगे की जो गैस रहेगी नाइट्रोजन गैस, या नाइट्रोजन गैस के साथ में कुछ कार्बन बाकी रहते हैं, वो कार्बन और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे आ जाती है। ये जो चीज़ है इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और कार्बन फिल्टर लगे हुए हैं। जो कार्बन फिल्टर यहाँ पे कुछ लिक्विड जो बाकी रह जाता है वो एग्जॉस्ट फैन के खींचने के बाद में वो अलग अलग टेम्परेचर पे इस ब्यूरेट के अंदर आ जाएगा। इस ब्यूरेट के अंदर के आने के बाद में यहाँ पे इसके अंदर दो कार्बन फिल्टर लगाए हुए हैं, यानी जो धुआं रहेगा उसके अंदर से कार्बन वो खींच लेंगे। उसके बाद जो प्योर नाइट्रोजन गैस रहेगी वो यहाँ से बाहर एनवायरमेंट में निकल सकती है। इसके हम बहुत सारे फायदे देख सकते हैं। जो मेडिकल वेस्ट होता है प्लास्टिक उसको अपन कोई सा भी प्लास्टिक हो, जो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होता है या फिर पॉलीथीन होती है, सारे हर तरह के प्लास्टिक को हम मेल्ट करके उसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसमें से फ्यूल और जो वो लिक्विड निकलता है वो ऐसे फ्यूल वर्क करता है, यानी कि हम उसे रिफाइनरीज में बेच के अलग अलग टेम्परेचर पे उसे प्योर कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, यानी कि फ्यूल मिक्स होता है उसमें, उस फ्यूल को अपन गाड़ियों में चला सकते हैं, इंजन चला सकते हैं। उसके बाद जो अलग अलग टेम्परेचर पे निकलेगा उसके अंदर मोम जैसे पदार्थ होते हैं या जिनको अपन बोल देते हैं मशीनों में लुब्रिकेंट के तरफ में काम लेते हैं, उस तरह से इस पूरे जो प्लास्टिक को रीयूज हो जाता है और जो यूज़ करने लायक जो मटेरियल निकलता है वो भी हो जाता है। यानी प्लास्टिक जो है जो इतना सारा पोल्यूशन करता है, जिसको अगर हम ज़मीन में दबा देंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, जिसको अगर अपन जला देंगे तो इतना सारा पोल्यूशन होगा। और ऐसे ना करके इस तरह से अगर ये एक फैक्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट है, अगर इसमें हम प्लास्टिक को मेल्ट करके उसकी वेपर को कंडेंस करें और जो लिक्विड हमने सामने आता है वो एक फ्यूल अपन उसको यूज़ करें तो इसका बहुत सारा यूज़ भी हो जाता है। जो प्लास्टिक होता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो लिक्विड निकल रहा है वो लिक्विड को अपन फ्यूल के रूप में काम ले सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, उससे इंजन चला सकते हैं। उसके बाद भी उस लिक्विड को अपन रिफाइनरीज में बेच के अलग अलग टेम्परेचर पर उसमें से जो मिक्स होता है वो एक तरह से क्रूड ऑयल होता है, उसमें से अपन लुब्रिकेंट वगैरह, मोम और जो फ्यूल होते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग हमें आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद आधे घंटे में हुआ ये है कि जो टेम्परेचर होता है इस फ्लास्क का टेम्परेचर वो लगभग 180 डिग्री तक पहुंच चुका है। हम इस थर्मामीटर की सहायता से देख सकते हैं। जो हीटर है वो इतना पावरफुल है हमारा कि जो फ्लास्क का टेम्परेचर है 180 डिग्री तक पहुंच चुका है। और जो हमने जो प्लास्टिक इसमें यूज़ किया है मेडिकल वेस्ट, उस प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर होता है वो 180 डिग्री है, यानी कि अब जो हमारा लिक्विड है वो पूरी तरह से बनने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन फ्लो है वो स्टार्ट है।
4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के नाइट्रोजन प्रेशर से, उसके बाद 180 डिग्री हमारा टेम्परेचर पहुंच चुका है और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो वेपर है नाइट्रोजन की मदद से जो वेपर बन रही है, यानी जो प्लास्टिक बर्न नहीं हो रहा है और मेल्ट हो रहा है, उसके बाद जो वेपर बन रही है वो वेपर यहाँ से इस एल बेंड से होते हुए कंडेंसर में आ रही है। यहाँ पे हमने कंटिन्यू 2 कंडेंसर लगाए हैं, यानी जो वेपर होती है वो पूरी तरह से कंडेंस होने के बाद में आप क्लियर देख सकते हैं कि इस यहाँ पे कुछ इस तरह का लिक्विड बनकर तैयार होता है। ये जो लिक्विड है जिसको हम एक ब्यूरेट से कलेक्ट करके एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं ऊपर से जो लिक्विड होता है वो लिक्विड अंदर आता रहेगा, उसके बाद जो एयर रहेगी यानी जो नाइट्रोजन रहेगी कार्बन के साथ में, जो नाइट्रोजन रहती है वो जो प्लास्टिक होता है जो कार्बन हाइड्रोजन की बहुत लॉन्ग चेन होती है एक्चुअली प्लास्टिक, तो उसमें जो नाइट्रोजन होता है उनको तोड़ने का काम करती है। उसके बाद जो लिक्विड के बाद में कुछ कार्बन नाइट्रोजन के साथ में रह जाता है, वो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं और जो यहाँ पर कार्बन फिल्टर लगा हुआ है तो जो कार्बन रहेगा वो पूरा उसमें रह जाता है और सिर्फ नाइट्रोजन प्योर नाइट्रोजन बाहर निकलती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर लिक्विड निकलता है, उनका कलर भी अलग होता है। ये जो है वो गाढ़ा है, यानी कि इसको अपन लुब्रिकेंट के रूप में काम ले सकते हैं। और जो हमने पहले वाला जो लिक्विड देखा था वो एक्चुअली बहुत पतला था, यानी कि उसको हम क्लियरली फ्यूल के रूप में काम ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने वॉल बंद कर दिया और यहाँ पे कंटिन्यू इकट्ठा हो रहा है और कुछ इस तरह का लिक्विड आपके सामने आता है। ये जो होता है ये क्लियरली बर्न हो सकता है, यानी कि हम इसको जला सकते हैं। मैं आपको इसको जला के दिखाऊंगा। तो आइए, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इस जो लिक्विड होता है उसको ऐसे फ्यूल यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ हम इसको ऐसे फ्यूल कैसे यूज कर सकते हैं। यह हमारे पास एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा है और ये जो अभी हमने इसमें से ऑयल निकाला है, ये ऑयल और निकाल देते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं एक कुछ इस तरह से जल रहा है, जैसे कि हमने कोई पेट्रोल से लगाया हुआ आग। आप बिल्कुल क्लियर इसको देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसे फ्यूल वर्क करता है। यही नहीं, हम इसे एक और तरीके से हम आपको जला के दिखाते हैं कि ये फ्यूल कैसे वर्क कर सकते हैं। ये हमारे पास एक दीपक है, ये देखिए, आप बिल्कुल आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ इस तरह से बर्न होता है, जैसे कि कोई पेट्रोल या डीजल जिस तरह से बर्न होता है, कुछ इस तरह से हम इसे फ्यूल के रूप में काम ले सकते हैं। ये एक तरह से क्रूड ऑयल है। यही नहीं, इसी के बाद जैसे कि यहाँ पे जो ऑयल निकलता है वो बहुत पतला होता है, उसके बाद जो अलग अलग टेम्परेचर पे निकलता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा लो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल अलग है, ये एक तरह से गाढ़ा पदार्थ है और इसे हम एक लुब्रिकेंट के रूप में काम ले सकते हैं, यानी जो मशीनरीज में होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में हम इसे काम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन फिल्टर लगे हुए रहते हैं, ये कार्बन फिल्टर कार्बन को पूरी तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। उस कार्बन को अपन जो सूखी स्याही होती है ऐसे सूखी स्याही के रूप में अपन काम ले सकते हैं पाउडर के रूप में। उसके बाद जो प्योर नाइट्रोजन रहती है वो यहाँ से बाहर निकल जाती है एटमोस्फियर के अंदर।